पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी यहीं कहीं 21 सितंबर को, यानी करीब 3.5 अरब साल पहले। जीवन की शुरुआत कैसे हुई पता नहीं, शायद वो मिल्की वे के किसी और हिस्से से यहां आया होगा। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अभी भी सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। फिर जिंदगी पनपने लगी। बायोकेमिकल्स के आपस में मिलने से कई तरह का जीवन बनना शुरू हुआ। 9 नवंबर तक जिंदगी ने सांस लेना, चलना फिरना, खाना और अपने माहौल में ढलना शुरू कर दिया था। उन शुरुआती माइक्रोब्स की बदौलत ही ये सब हुआ। और हां, उन्होंने एक काम और किया, सेक्स का आविष्कार। 17 दिसंबर का दिन, समुद्र में जिंदगी तेजी से बढ़ने लगी। उसमें बड़े पौधों और जानवरों की भरमार हो गई। टिकटा आलेख उन शुरुआती जानवरों में से था जो पानी से जमीन पर आया। उसे लगा होगा जैसे वो किसी और ग्रह पर आ गया है। जंगल, डायनासोर्स, चिड़ियाएं, कीड़े मकौड़े, ये सब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बने। पहला फूल भी 28 दिसंबर के दिन खिला था। पुराने जमाने के ये जंगल बड़े हुए और खत्म होकर जमीन के नीचे दब गए और फिर कोयले में बदल गए। 30 करोड़ साल बाद हम इंसानों ने उसी कोयले को जलाना शुरू कर दिया और खुद अपनी ही सभ्यता को खतरे में डाल दिया। आपको याद है ना, सौर मंडल बनने के दौरान वो एक एस्टेरॉयड, वही जो बाई ओर झुक गया था, वो फिर आ रहा है। कॉस्मिक कैलेंडर पर 30 दिसंबर के दिन सुबह के 6:24 का वक्त हुआ है। दस करोड़ सालों से भी ज्यादा अरसे तक डायनासोर्स ने पृथ्वी पर राज किया, जबकि हमारे पूर्वज यानी छोटे मैमल्स की उन दिनों कोई औकात ही नहीं थी। मगर उस एस्ट्रॉइड ने सब बदल डाला। सोचिए, उसने रास्ता न बदला होता और पृथ्वी से टकराता ही ना, तो ये तो तय है ऐसे में डायनासोर अभी भी होते, मगर शायद हम नहीं। कुदरत का अजूबा और किस्मत का इससे अच्छा उदाहरण शायद ही कोई और हो सकता है। सृष्टि को पैदा हुए 13.5 अरब साल हो चुके हैं, अब भी हमारा कोई अता पता नहीं। वक्त के इस लंबे चौड़े समुद्र में जो इस कैलेंडर में मौजूद है, इंसान साल के आखिरी दिन आखिरी घंटे में ही सामने आया है कॉस्मिक कैलेंडर के। ग्यारह बजकर 59 मिनट और 46 सेकेंड, जितना भी इतिहास हम जानते हैं वो इन आखिरी 14 सेकेंड का है, और जितने भी इंसान अब तक हुए हैं वो यहीं कहीं मौजूद हैं। वो तमाम बादशाह और लड़ाइयां, नई जगहें, नई खोजें, जंग और मोहब्बतें, इतिहास की किताब का हर वाकया यहां मौजूद है, कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी सेकंडों में।